जयराम महतो से टाइगर जयराम महतो बने। जयराम ने मात्र 2 साल में ही झारखंड की राजनीति में एनडीए और इंडी गठबंधन के समक्ष खड़ी कर दी चुनौती। जेबीकेएसएस के उम्मीदवार और मिले मत पर डालते हैं एक नज़र। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो को 347,322 मत, रांची लोकसभा क्षेत्र से देवेंद्रनाथ महतो 132,647 मत, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से संजय मेहता को 157,977 मत, चतरा लोकसभा से दीपक गुप्ता को 12,566 मत, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र दामोदर सिंह हंसदा को 44,292 मत, दुमका लोकसभा से बेनी लता टुडू को 19,360 मत, धनबाद लोकसभा से इकलाक अंसारी को 89,653 मत, कोडरमा से लोकसभा मनोज यादव को 28,310 मत। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जहां से जयराम महतो चुनाव लड़े हैं उन्हें डुमरी और गोमिया विधानसभा में एनडीए और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी से काफ़ी अधिक मत मिले हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा में समीकरण बिगाड़ सकता है जयराम महतो, क्योंकि अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जेबीकेएसएस करती है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। आजसू और झामू जिनको अपना आधार वोट मानता है उनके बीच ही जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ी है। झारखंड के दशकों से क्षेत्रीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई पार्टियां और मोर्चे बनते रहे हैं। जयराम महतो युवा नेता हैं। पिछले 2 साल से जयराम ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, क्षेत्रीय भाषा, रोजगार आदि लागू करने को लेकर संघर्ष शुरू किया है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले इन मुद्दों को लेकर 100 से अधिक सभाएं की, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उनके साथ युवाओं की टोली जुट गई। इसके बाद उन्होंने संघर्ष के लिए राजनीति में प्रवेश करने का विचार किया। बीते साल उन्होंने एक नई पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS का गठन किया। वे इस दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पार्टी गठन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में युवाओं की राजनीति करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड से दिल्ली तक आवाज़ उठाने की जरूरत है। युवाओं को सदन में भेजना होगा। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी। लोकसभा चुनाव संपन्न के बाद जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल जयराम महतो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। जयराम का ये साहसिक कदम जनता के सहयोग से जुड़ा है। ये साहसिक कदम के पारंपरिक राजनीति करने वालों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करने की तैयारी में है। आने वाला समय बताएगा कि जयराम महतो की पार्टी के मैदान में आने से कुर्मी वोटरों की राजनीति करने वालों के समक्ष सही मायने में चुनौती पेश करेगी। आने वाला समय ही बताएगा कि 28% वोट पर अपनी पकड़ रखने वाले जयराम अगर कुछ वोट की प्रतिशत को ऊपर ले जाने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में आकर के राजनीतिक दलों की नींद उड़ाने में कितना कामयाब होंगे ये तो समय ही बताएगा। अब आइए देखते हैं जयराम महतो ने क्या कहा। अब रह गया कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे, नो डाउट आज लोकसभा का जो चुनाव हम लोगों ने कहीं कहीं हमारा बूथ कमेटी भी नहीं था, कहीं कहीं हमारे बूथ में एजेंट भी नहीं बैठे हैं, लेकिन केवल हमारे 4 लोगों के दिलों में समा चुके थे और बकायदा केवल मोबाइल के माध्यम से समाए थे। तो हमारे पास अभी इतना समय है कि हम उन्हें सशरीर उनके बीच जाएंगे और हमारा सबसे पहला प्रयास होगा एकदम एक एक गांव में, एक एक पंचायत में, एक एक आंगन तक हम लोग कम से कम एक बार विजिट होके आए और हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो इस राज्य को लेकर प्लानिंग है, इस राज्य के तमाम वर्गों को लेकर जो सोच है, इस राज्य को जो उन्नति को ले जाने का जो रोडमैप हम लोग तैयार किए हैं, इस राज्य को लेकर जो हमारा अभिजन चल रहा है उसे कम से कम प्रत्येक आंगन में एक बार विजिट करके लोगों को हम लोग पता है। और हमें आशा है कि नेगेटिव बातें बहुत सारी आएंगी। अभी लोकसभा में लोकसभा तो मायने ही नहीं था, लोकसभा तो एक सीट का मामला था। अब जब जैसे ही आप विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनका बुरिया बिस्तर आप समेट देंगे, बांध देंगे, उनका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर आप डेड कर देंगे, तो वहां तो इससे ज्यादा साजिशें होंगी। उन साजिशों के लिए आपको तैयार होगा जैसे। और उसके बाद देखिए, जहां हम लोग काउंटर नहीं कर पा रहे थे, एक्चुअली क्या था कि काउंटर भी हम लोग इसलिए नहीं कर पाए कि हम लोग पूरी तरह से बिजी थे कि अपना सीट को निकालना है, धनबाद में निकालना है, हजारीबाग में निकालना है, गिरिडीह में निकालना है। लेकिन अब हमारे पास एक काउंटर टीम होगी। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग एसटी वर्ग के पास गए और जो चंद्रप्रकाश चौधरी हमारा एक पुराना फोटो है उसको चिपका दिए दरवाजे में, तो हम उनसे कहेंगे कि आप भी काउंटर कीजिए और सुदीप सोनू और चंद्रप्रकाश चौधरी का फोटो उसको चिपका दीजिए। आप बिल्कुल एग्रेसिव मूड उनकी तरह अगर वो साजिश करते हैं तो, जैसे हमको एक साथी ने कहा कि कुछ लोग जो महिलाएं हैं जो मैंने प्रधानमंत्री को पक्ष में वोट करने के माइंड सेट है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ गिरिडीह में तो फूल छाप है नहीं है, उसके बदले मोदी जी सिलेंडर लेके आए हैं। तो हम बोले नहीं, हम लोग का वो मैंने पॉलिटिक्स नहीं है कि हम लोग किसी को भ्रम फैला के वोट लेंगे। हमने साफ उनको मना कर दिया। कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम लोग इस तरह से वोट मांग रहे हैं कि नहीं मोदी जी का यहाँ कमल फूल छाप नहीं है, उन्होंने वोट को अपना सिलेंडर में कर दिया है। हम बोले नहीं, उनको सच्चाई बता दीजिए कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, हमारा
कोई हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो हम लोग कभी साजिश पर मतलब फोकस ही नहीं किए, क्योंकि हम लोग साजिश करके चुनाव जीतना ही नहीं चाहते हैं। एक भी हमारा बता दीजिए, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, हम लोग पास तो नया लड़का है। अगर हम लोग उनके तर्ज पर अगर कोई काम करते हैं, जैसा आज दोनों प्रत्याशी किए, दोनों प्रत्याशी के समर्थक कीजिए, आज उनका सोशल साइट को खंगा लिए, आयसू का एक भी टिकट टिप्पणी नहीं होगा जिन्होंने जेएमएम पर किया है, जेएमएम का एक भी टिकट टिप्पणी नहीं होगा जिन्होंने आयसू पे किया है। दोनों लोगों ने किन पर टिकट टिप्पणी किया है? जयराम महतो पर किया है। जब हमें नहीं देखा तो फरजान भाई के साथ चले गए, कभी पूजा के साथ चले गए, उन्होंने मैंने अपना जो है स्तर उसको बहुत निम्न करने का प्रयास किया है, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि साजिश मत कीजिए। उन्होंने कहा क्या बोलेगा तो हम लोग भी भ्रम फैलाते हैं, मतलब भ्रम से चुनाव कब तक जीतिएगा आप? हम लोग एक तो लोगों के अंदर जो डर है उस डर की राजनीति को हटाना चाहते हैं, और अगर आप भी फिर उसी मने रास्ते में जाएंगे कि लोगों को डरा कर, लोगों को उलझा कर, लोगों को फंसा कर पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। चुनाव हार जाएंगे, आने वाली पीढ़ी आएगी वो वहां से जीतने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन हमारा मकसद साफ सुथरा है, एकदम क्लियर पॉलिटिक्स करेंगे, विजन के साथ पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ, हमने ये स्वीकार किया और बाकायदा हम लोग चुनाव के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कहेंगे कुछ शब्दों का चयन में मिस्टेक हुआ होगा, यूथ हैं, इस बात से हम लोग कभी खारिज नहीं करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी को चोट पहुंचाए होंगे, किसी को पर्सनल अटैक हो गया होगा, लेकिन स्वाभाविक हम लोग यूथ हैं, लेकिन हम लोग भ्रम की राजनीति किसी भी हाल में किसी भी सूरत में करने नहीं जा रहे जो वे लोग किए। अब कहीं दो चार जगह तो हमको गिरिडीह से रोकी भाई एक दिन फोन किया नवल कि आपका इंस्टाग्राम में एक हमारा दोस्त है महिला मित्र है उनका फोटो पोस्ट किए थे, अब वहां से निकाल के लोग बोला ये कितना झूठ का लो बिहार में, बोलते अगर बिहार में गए मतलब मना इस तरह का मना उन लोग गेम मना साजिश किया कि जिसका कोई मतलब औचित्य ही नहीं था। बिहार का भी एक वीडियो चल रहा है, अब बिहार के कोई जरा बात तो है हमारा यहाँ आपने चला रहा तुम तो मैंने कोई हद नहीं था, उस हद को उन लोग पार किया क्योंकि उन लोग को भी मालूम था, देखिए उन लोग को सीट हारने का डर नहीं है कि हम लोग गिरिडीह सीट हार जाएंगे, उसको इस बात का डर है कि विधानसभा में मतलब जगह नहीं मिलेगा, और हार से जीतकर आलिशान मंगले में रहेंगे, आपके बच्चों का जीवन आलिशान रहेगा और हमारे बच्चे टावर लाइन में जाएंगे तो लाइफ टाइम उनका पोल पट्टी खोला जाएगा। तो इन लोग को इसी बात का डर है कि ये लोग जो पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम लोग को हर स्तर से मान सम्मान भी जो बचा है बिल्कुल आदि के लिए, बाकी प्रत्याशी गाँव में नहीं जा पा रहे, भले दो चार लोग चुनाव जीत जाएंगे। आप रांची का प्रत्याशी का देखिए, हजारीबाग का प्रत्याशी का देखिए, जो बड़े बड़े दलों से थे विशेषकर एनडीए वाले, गाँव तक नहीं गए, बताइए कितना गाँव गए, भले उनका ऊपर देख के वोट चला गया होगा, चार देख के वोट गया होगा, गैस देख के गया होगा, लेकिन वे लोग गांव में बैठ नहीं पा रहे थे। तो ये कितना बड़ा जीत है हम लोग का कि आज हम लोग एक ऐसी विचारधारा को लेके आए हैं कि उतने बड़े बड़े दलों के नेता गांव में बैठ नहीं पा रहे, गांव में उनका एंट्री नहीं हो पा रहा है, जबकि हम लोग बार बार अनुरोध भी कर रहे हैं ना इनको गांव में बैठने दीजिए, गांव में बैठने के बाद उनसे सवाल कीजिए कि भाई आपके पास 200 एकड़ का जमीन कहां से आया, आपका 10,000 का प्रॉपर्टी कहां से आया, सवाल आप कीजिए, गांव में बैठा कीजिए। तो कहीं ना कहीं साजिश होगा उससे, नो डाउट विधानसभा में बहुत साजिशें होंगी, और अभी तो क्या क्या नेटवर्क चल रहा है कि डीप फेक थे, अभी तो बहुत सारा वीडियो बनेंगे, बहुत सारे ऑडियो आएंगे, बहुत सारे सिनेरियो प्रेजेंट किए जाएंगे, लेकिन आप हम लोग को भी काउंटर के लिए तैयार रहना होगा। जैसे उदाहरण के लिए जो चंद्रप्रकाश चौधरी हमारा फोटो चिपकाया था, वहीं सुदीप सोनू और चंद्रप्रकाश चौधरी का फोटो एकदम चिपका देना, मैंने उदाहरण के लिए, तो आप हम लोग का भी एक टीम रहेगा जो काउंटर करेगा, उनकी आईडी हम जैसा वो हमारे लिए रूमर करेंगे उसी रूमर का जवाब हम उनके काउंटर में दिया जाए, जब इस चुनाव हम लोग नहीं किए, इस चुनाव बिल्कुल हम लोग नहीं किए। अब बताइए बागमारा विधायक का फोटो, अरे भाई वो हमारे यहाँ कितना बार है, हम इसे पूछ लेते, हम लोग फुटबॉल प्लेयर हैं, अमर बावरी के साथ फोटो होगा, ढुलू महतो के साथ होगा, जयप्रकाश भाई पटेल के साथ होगा, उसमें कोई दल नहीं है, फुटबॉल का मतलब क्या है भाई, ना जय प्राइज दल है चीफ गेस्ट, उसमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई रहे ऐसा थोड़ी गाँव संख्या, गांव में कोई बीजेपी के लीडर नेता नहीं, कोई गया वो जरूर गया, प्राइज भाई लड़का लोग जो सहयोग दिया वो सहयोग मांगा, तो उस टाइप का इन लोग मतलब फुटेज लेके आया था, तो इसलिए खैर उस इस बात को आपको मेंटली एकदम स्ट्रांग होना होगा कि लोकसभा के चुनाव में जितना हम लोग साजिशों और षड्यंत्रों का सामना किए उससे शायद चार गुना ज्यादा हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा असल में साख है, आपको मालूम है कि लोकसभा में हमारे पास 14 सीटें हैं, और सब बहुत वैरायटी, जो भी लोकल पार्टियां आती है उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकसभा हम लोग का कोई फोकस नहीं है, जो झारखंड की पार्टियां हैं, तो विधानसभा में साजिशें बहुत ज्यादा होंगी, तो साजिशों में हम लोग को डैमेज करते रहेंगे और लोग दिग्भ्रमित होते रहेंगे और लगातार सवाल जवाब होता रहेगा, क्योंकि आज भी ये सच्चाई है, ये दिल्ली नहीं है, इसके लिए हम झारखंड के लोगों का दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमारे झारखंड के लोगों का जो माइंडसेट है पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर जो सोचने का नजरिया है वो दिल्ली के लेवल में नहीं है।